नमस्कार मैं संचिता भट्टाचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में एंड हमारा आज का प्रोग्राम है पेंटिंग विषय है पेंटिंग और टॉपिक है डेकन स्कूल ऑफ आर्ट और इस टॉपिक में चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी एक्सपर्ट मिस कोमल पांडे कोमल पांडे जी असिस्टेंट क्यूरेटर है नेशनल म्यूजियम में आई वेलकम यू मैम और हम अपना चर्चा शुरू करते हैं जैसे कि आज हमारा चर्चा का विषय है डेकन स्कूल ऑफ़ आर्ट तो डेकन स्कूल ऑफ़ आर्ट की बात जब भी हम करते हैं तो मीनीचर की बात कहीं ना कहीं हमें आके चुभता है तो मीनिएचर पेंटिंग है क्या चीज़ पहला क्वेश्चन मेरा आपके पास ये है थैंक यू सो मच अगर हम शब्द को ही देखें मिनिएचर मिनी का मतलब है छोटे फॉर्म में किसी चीज़ को बनाना मिनीचर को हम हिंदी में कहेंगे लघु चित्रकला यानी कि जो हम जो भारतीय चित्रकला शैली रही है जिसमें अधिकतर म्यूरल पेंटिंग्स बनते थे दीवारों पे गुफाओं पे बड़े बड़े चित्र बना करते थे मिनीचर है जो चित्र छोटे फॉर्म में छोटे फॉर्मेट में बनना शुरू हो गए उसे हम कहने लगे मिनीचर पेंटिंग अब मिनिएचर पेंटिंग अलग अलग ख़ास तौर पर जब कागज़ पर बनने लगा तब बहुत पॉपुलर हो गया तो आ, हम ये कह सकते हैं कि मिनिएचर पेंटिंग ये है कि पेंटिंग का एक लघु रूप एक छोटा रूप उसको हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं और जब हम मिनिएचर पेंटिंग देखते हैं तो हम कई बार सोचते हैं कि आ, जैसे आप लोग कई बार संग्रहालयों में जाते होंगे वहाँ देखते होंगे कि मिनिएचर पेंटिंग्स लगे हैं तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो मिनिएचर पेंटिंग है जो लघु चित्रकला है ये दरअसल पार्ट होती थी पांडुलिपि की यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट की तो जैसे हम आज उनको दीवारों पर टंगा हुआ फ्रेम किया हुआ देखते हैं दरअसल जो इनका असली रूप होता था वो ये किताबों का जो शाही किताबें होती थीं जो रिलीजियस किताबें होती थीं उनमें जो चित्र साथ में उकेरा जाता था लेखनी के साथ टेक्स्ट के साथ एक मिनिएचर पेंटिंग के फॉर्मेट में एक कॉम्पोजिशन बनाया जाता था जो कि आर्टिस्ट बनाता था जी बिल्कुल सही कहा आपने मिनिएचर का मतलब है लघु चित्र कला लाइक like, सूक्ष्म चित्रकला भी हम कह सकते हैं कितना छोटा छोटा उसमें चित्रकला जो कारीगर कारीगरी किया गया है और उसमें कलर का भी कितना बखूबी कायदे से निभाया गया दिल्कुल. है सो so, हम इसके बारे में आपने बहुत अच्छा कहा कि लघु चित्रकला एंड पांडुलिपि का जो एक तालमेल होती है क्योंकि लघु चित्रकला उसी में होता है जिसमें पांडुलिपि लिखा जाता है लेटिस डिस्कस वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिएचर पेंटिंग और आई मीन इन अ डेकन स्टाइल इन तो एक और बहुत बढ़िया बात है कि मिनिएचर मिनीचर पेंटिंग बनता कैसे था जैसे आपने कलर की बात की तो मिनीचर पेंटिंग बनती इस तरीके से थी कि आप समझिए एक तो ये रॉयल पेट्रेट से बनती थी मतलब कि इसको जो बनाने वाले लोग होते थे वो शाही कलाकार होते थे जिनको राजा अपने राज्य में रखा करते थे और ये शाही कारखानों में ये कला बनाई जाती थी और जब भी हम कोई मिनिएचर पेंटिंग देखते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जने का काम हो क्योंकि ये पूरा अटीलियर जो पूरा रॉयल अटीलियर होता था जो रॉयल आर्टिस्ट होते थे वो सब मिल के कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करके पेंटिंग बनाया करते जी. थे अब सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि कागज़ जिस पर कि मिनिएचर पेंटिंग अधिकतर तौर पर हमें मिलती है तो वो कागज़ कहाँ से आता था तो कागज़ के अलग अलग प्रकार हैं जब आप ध्यान से देखना शुरू करेंगे लघु चित्रकला को तो कोई अबरी कागज़ है कोई समरकंदी कागज़ है कोई दौलताबादी कागज़ है कोई फिरंगी कागज़ है अब फिरंगी कागज़ क्या था जो मशीन मेड पेपर आ गया बाद में और पहले कागज़ हाथ से बना करते थे हैंडमेड पेपर अभी भी बहुत सारे मिलते हैं, हैं हैंडमेड पेपर्स तो कागज़ के बड़े बड़े शीट तैयार किए जाते थे उसके बाद उनको काटा जाता था किताब के आकार पर उसके बाद उसमें बकायदा रूलिंग की जाती थी और रूलिंग करने के बाद उसमें लिखा जाता था और लिखने के बाद उसमें आ, किसी ना किसी आ, फिर वो कलाकार को दे दिया जाता था जिसमें कि जैसे मैं दिखाती हूँ आपको आ, शायद इनमें हम वापस आ जाएंगे जैसे आप ये वाला चित्र देखिए तो इसमें एक तरफ लिखावट है ये एक बहुत ही खूबसूरत दक्कन की कला का नमूना है जिसमें जो वासुदेव हैं जो वो कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ ये भगवत पुराण एक हिंदू एपिसोड है एक हिंदू टेक्स्ट है और भगवत पुराण का फारसी ट्रांसलेशन हमें एक तरफ कोने में लिखा हुआ उसमें देखने को मिलता है और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि लघु चित्रों में पूरी पूरी हमें कला दिख रही है अगर आप नीचे देखें तो यमुना नदी है उसके ऊपर वसुदेव हैं वो कृष्ण को टोकरी में लेके जा रहे हैं और हम सबको पता है कि वो कृष्ण को लेकर के नंद के घर जा रहे हैं और कृष्ण पैदा हुए थे कंस के यहाँ जेल में तो अगर आप ऊपर देखेंगे जो नदी है नदी के ऊपर कुछ पेड़ पौधे हैं और उसके ऊपर आप देखिए तो एक पिंक कलर की वॉल बनी हुई है उसके उस तरफ जेल है और वहाँ से निकल करके आ, ये कृष्ण को लेकर के वसुदेव जा रहे हैं तो कई सारे पहलू हैं लघु चित्रकला के जिसमें से एक है कैलिग्राफी, जो हमें लिखा हुआ देखने को मिल रहा है एक है पेंटिंग जो हमें पेंटेड देखने को मिल रहा है और जहाँ तक मैम ने विषय की बात की तो बहुत सारे तरीके के विषय बनते थे तो कई बार हम इसमें रिलीजियस आर्ट देखते हैं यानी कि या तो कुरान की कुछ आयतें लिखी जाती थीं या भगवत पुराण में से कोई चीज़ें कोई एपिसोड लेकर के या रामायण में से कोई एपिसोड लेकर के लघु चित्र कला या पांडुलिपि बनती थी और फिर एक होता था कैलीग्राफर जिसका काम होता था सुंदर अक्षरों में उस टेक्स्ट को लिखना राजाओं का भी काफ़ी सारे काफी इसमें हाँ. विषय मिलती है एंड नॉट ओनली दिस इन्होंने बहुत ऐसी भी किया है इन्होंने डेली लाइफ का भी छोटा छोटा मिनिएचर भी मिला है हमारा आज का विषय है दक्कन की कला तो ये एक लघु चित्र एक कला का नमूना है लेकिन बहुत सारी कलाएं हुआ करती थी थोड़ा सा मैं आपको अगर दक्कन के बारे में बताऊं जैसे जो हम अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर वो है एक टेम्पल हैंगिंग जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है और इसमें पूरा जो सुंदर कांड है जो रामायण का जो सुंदरकांड है वो हमें बना हुआ दिखता है और जो कढ़ाई से बनाया है तो अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे कॉर्नर में तो वो जगह है जहाँ पर जब पहली बार हनुमान मिलते हैं राम से और लक्ष्मण से तो वो कैसे वामन के अवतार में मिलते हैं हमें वो देखने को मिल रहा है नीचे अगर आप देखें तो दस सर वाला रावण है वो देखने को मिल रहा है सुरसा के बारे में हम सब जानते हैं जब हनुमान जी आ, समुद्र लांग रहे थे तो सुरसा नाम की राक्षसी निकल के आती है समुद्र से तो वो हमें दिख रहा है तो इस तरीके की कला यानी कि एम्ब्रॉयड्री में कला उसके अलावा जब हम बात करते हैं दक्कन की एक बहुत ही आ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे सामने आती है वो है निज़ाम के आभूषण तो जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनका बहुत आभूषणों का संग्रह है जो कि अब भारत सरकार के पास है और ये उसके आभूषण के कुछ नमूने हम सामने देख रहे हैं और जो आप ये देख रहे हैं वो जैकब डायमंड है एक तरफ और ये डायमंड जो कोहिनूर हीरा है जिसकी हम बात करते हैं जो कि लंदन में है इस वक्त लेकिन ये जैकब डायमंड इंडिया में है और ये प्रदर्शनी में नेशनल म्यूजियम में राष्ट्रीय संग्रहालय में आता रहता है तीन बार ये प्रदर्शित हुआ है और ये कोहिनूर से तीन गुना ज़्यादा बड़ा है लगभग अब ये तो हो गए आभूषण के बाद हम देखते हैं एक बिदरी की कला यानी कि मेटल वर्क किस किस तरीके के होते थे और ये वाला जो सिल्वर प्लेट है उसमें किस तरीके से कारीगरी की गई है किस तरीके से मोटिव्स बनाए गए हैं ये हम देख सकते हैं डक्कन कला है क्या चीज़ दक्कन कला वो कला है जो दक्कन भारत के दक्कनी क्षेत्र में जो कला बनी जिस कला का निर्माण हुआ उसको हम दक्कन कला कह सकते हैं थोड़ा सा स्टेट का भी नाम हाँ तो, तो सुल्तान थे। जो थे दक्कन के वो ये कला बनाते हैं और बीजापुर है गोलकुंडा जी, है बिल्कुल मैं बिल्कुल आ, इसका ये अगर आप देखें इस समय स्क्रीन पर मैप में तो मैप में मैं आपको दिखाती हूँ कि बिदार बेरार अहमदनगर बीजापुर और गोलकोंडा ये पांच मुख्य आ, सेंटर्स बने दक्कन की कला के और बाद में इसमें हैदराबाद भी ऐड हो जाता है जो दक्कन के जो सुल्तान थे वो ख़ास तौर पर प्रेरित थे जो विश्व में जो इस्लामिक कला चल रही थी उससे जो मीनिएचर पेंटिंग में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में उनका अपना अपना एक आइडेंटिटी होती है तो थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस होती है जिस वजह से हमें पता चलता है कि ये बीजापुर का है ये गोलकुंडा का है ये हैदराबाद का है जो भी स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट उनका हुँ. अपना एक आइडेंटिटी मिला के उन्होंने अपना जो अपना जो बादशाह थे उन्होंने अपना स्टाइल लगाते थे तो उसके बारे में आप हमारी बच्चे लर्नर को कुछ बता जैसा कि मैम बता रही हैं कि मैंने बताया आपको कि इस तरीके के हमारे पास प्रमुख सेंटर्स हैं तो जो बिदार और बेरार जो सेंटर्स थे वो ऐसे सेंटर्स थे जो बहुत जल्दी मतलब लो प्रोफाइल में आ गए और अहमदनगर बीजापुर और गोलकोंडा तीन प्रमुख सेंटर्स रहे जहाँ पे पूरा कल्चरल कैपिटल बना और पॉलिटिकल कैपिटल बना वो वहाँ के राजाओं का और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से जो मुग़ल थे उनकी सल्तनत के बारे में उनके क्षेत्र के बारे में उनकी कला के बारे में हमें बहुत डिटेल में मालूम है क्योंकि अबुल फजल जैसे बहुत सारे कोर्ट हिस्टोरियंस थे जो कि मुग़ल उनको अपना इतिहास लिखने के लिए अपने राज्य में रखते थे दक्कनी कला का एक तरीके से आप ये कहिए कि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ वहाँ पे जो हिस्ट्री राइटिंग हुई वो थोड़ी सी कम रही बनस्पत की मुग़ल कला में जिस तरीके की बातचीत हुई तो इसलिए हमें बहुत अधिक तो नहीं पता चलता है लेकिन अब हम थोड़ा बहुत ये पता लगाने लगे हैं कि अगर ये सेंटर है अगर गोलकोंडा है अगर बीजापुर है अगर हैदराबाद है तो वहाँ किस किस तरीके का काम चल रहा था जैसे कि जो अहमद वन निज़ाम शाह रहे वो दक्कन के वो दक्कन में अहमदनगर के सुल्तान रहे और वो इन, वो नेटिव डेकन के ही थे दूसरे रहे यूसुफ़ आदिल शाह जो कि ऑटोमन डायनेस्टी के थे और सुल्तान बने बीजापुर के और फिर तीसरा नाम हम पढ़ते हैं सुल्तान कुली कुतुब शाह का जो कि टर्क थे तुर्की थे और वो बने गोलकोंडा के नवाब और ये सारे जैसे कि मैंने बताया जो और अन्य जगह जो इस्लामिक एम्पायर था उससे बहुत इंस्पायर्ड थे अब बात आती है कि हर स्कूल की क्या खासियत थी उसमें क्या उन लोगों ने क्या चीजें जैसे छोटा सा मैं बताती हूँ जैसे तंजोर स्कूल तंजोर स्टाइल का जो अपना खासियत थी प्रीसीस स्टोन्स और प्रीसीस चीज़ें उसमें जैसे गोल्ड का एंड सेमी प्रीसीस स्टोन प्रेसियस स्टोन उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे तंजोर में एंड ये इसी तरह से और स्पेशली आपने बहुत सही कहा कि उनका जो अपना जो बादशाह थे जो नवाब थे उनका अपना स्पेशली uh, अपना फ़ोटोज़ एंड अपना जो आ, तरीका है अपना जो आइडेंटिटी है वो उसी मीनिएचर uh, पेंटिंग के थ्रू वो दिखाते थे लोगों को हुँ, मतलब हुँ. वो जो पेंटिंग का ये ये मेन आइडेंटिटी uh, होती है हर uh, अलग अलग मिनिएचर पेंटिंग का ये बिल्कुल सही का प्लीज़ आप बोलिए तो जैसे कि अभी जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं अब किसी मिनिएचर पेंटिंग को हमें देखना कैसे है अगर हम स्क्रीन पर देखें तो हमें साफ साफ दिखेगा कि बीच में जो है वो आ, सुल्तान बैठे हुए हैं और उनके आसपास जो उनके अटेंडेंट्स हैं वो हैं और हम ख़ास तौर पर देखते हैं कि पर्सपेक्टिव किस तरीके से बनाया है कलाकार ने उसने किस तरीके से आ, राजा को किस एंगल से दिखाया है राजा अपने आ, जनता को सामने से देख रहा है या राजा साइड प्रोफाइल में देख रहा है या किस किस प्रकार से उसका स्टैंड क्या है उसका लुक क्या है और आ, किस क्या क्या उसमें पैटर्न्स इस्तेमाल हुए हैं अगर आप ध्यान से देखिए तो पूरा जो ये बैकग्राउंड है वो पैटर्न से किसी ना किसी तरीके से पूरा भरा हुआ है अनदर पेंटिंग ये भी देखिए जो पेंटिंग है वो अहमदनगर की है जो हम सामने देख रहे हैं इसमें क्या है कि एक बहुत एक स्पेशल एक हम कल्चरल इवेंट जैसा कि मैम कह रही थी कि हम उनका रहन सहन जान सकते थे तो ये कल्चरल दोहादा नाम की एक सेरेमनी होती है जिसमें एक यंग वुमन वो जैसे ही एक पेड़ की डाली को पकड़ती है उसमें फूल फूल भर जाते हैं पूरे और ये पेंटिंग वही एक एपिसोड को दिखा रही है और इसमें अगर आप ध्यान से देखें जब हम ये कहते हैं कि दक्कन में कला बनी और वो ओटमन और सफाविद से इंस्पायर हुए जो दक्कन के जो कलाकार थे वो कैसे कहते हैं तो ये पेंटिंग एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि यदि आप पेंटिंग का फ्रंट हिस्सा देखेंगे आधा भाग नीचे का देखेंगे तो वो प्योर आ, हिंदुस्तानी है मतलब उसमें इंडियन एलिमेंट्स हैं ज्वेलरी में ड्रेसिंग स्टाइल में कैसे साड़ी पहनी है कैसे उनका पल्लू जा रहा है या किस तरीके के उन्होंने ज्वेलरी ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स पहने हैं बिल्कुल और वहीं अगर आप ऊपर वाला पोर्शन देखें पेंटिंग का तो जिस तरीके के पेड़ दिख रहे हैं हमें साइप्रस के लंबे लंबे पेड़ दिख रहे हैं वो इसमें पर्जियन इन्फ्लुएंस है सिमिलरली नजूमालूम करके एक टेक्स्ट हमें बीजापुर से मिलता है जो कि पेंटेड है और अहमदनगर के बाद जो अगला सेंटर मैंने बोला था वो है बीजापुर का और इसमें देखिए अगर आप तो ये क्लियर डिफरेंस है पहले वाले से एकदम अलग है कि किस तरीके से एक कलाकार ने स्पेस को काट करके पूरा ऊपर सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में किंग सीटेड है और उसके बाद उन्होंने पूरा पूरा जो लेयर्स में किस तरीके से आर्टिस्ट ने थीम को बनाया है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेंटिंग बीजापुर से हमें मिलती है और ये पेंटिंग मैं तौर पर उन बच्चों को बताना चाहूँगी जो कला बनाने में भी खास रुचि रखते हैं इस पेंटिंग में हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम कहें कि हमें कला पढ़नी है या हमें कला को समझना है तो कई बार हमें उसको अलग अलग भागों में देख करके के समझना पड़ता है जैसे कि ये पूरी पेंटिंग है और यदि आप इसको टॉप टू बॉटम देखें ऊपर से नीचे तक देखना शुरू करें तो आप इसमें देखेंगे कि दो बड़े यूनिक तरीके के जो चित्रकला है वो देखने को मिल रही है ये गोल्ड से पूरा काम किया जाता था गोल्ड को एज अ कलर इस्तेमाल करके इसी से हमें पता चलता है कि ये शाही मैन्यूस्क्रिप्ट है शाही वो सीखते कहाँ पर थे तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि हर कलाकार के कई बार कोई ना कोई उस्ताद होते थे जी। और साथ में बैठ के नजदीक बैठ करके ऐसा काम सीखा जाता था